कोरोना वायरस के कारण बिहार को लॉकडाउन किया गया है। बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित राशन सब्जी एवं दुग्ध विक्रेता से संबंधित प्रतिष्ठान के अतिरिक्त सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसमें छोटे दुकानदार एवं खुदरा विक्रेता भी शामिल है तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानें इससे मुक्त रहेंगी। बिहार राज्य अंतर्गत सभी प्रकार के सरकारी एवं निजी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन 31 मार्च 2020 तक बंद रहेगा। सिर्फ निजी वाहन का प्रयोग खाद्य सामग्रियों, सब्जी, दूध आदि के क्रय एवं चिकित्सकीय सहायता तथा आपात स्थिति में किया जाएगा। खाद्य सामग्रियों, सब्जी, दूध आदि के व्यवसाय में लगे व्यावसायिक वाहन के परिचालन की अनुमति रहेगी। बिल्कुल सही है, गाड़ी बंद हो गया तो बहुत ही इसमें नियंत्रण किया जा सकता है, और यही पहले हुआ होता इस ढंग का तो भारत में ऐसा नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर दुकानों को बंद कराया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि घर में ही सुरक्षित रहें। बिहार राज्य अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे, परंतु आवश्यक सेवाओं यथा चिकित्सा सेवा, विद्युत आपूर्ति सेवा, पुलिस सेवा, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंक एवं बिहार राज्य के अधीन सभी कोषागार कार्यालय, डेयरी इत्यादि में प्रतिनियुक्त कर्मी कार्यरत रहेंगे। ये जो लाइन है तो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली हरियाणा से आए हुए आदमी सब हैं, ये कोरोना का जांच करवाने के लिए आए हैं। बिहार राज्य अंतर्गत खाद्य सामग्रियों, सब्जी, दूध आदि से संबंधित प्रतिष्ठान खुदरा विक्रेता के पास एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं रहेंगे।